करने गया मेडिकल छात्र नहर में डूबा। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद शव को किया गया बरामद। श्याम साहत मेडिकल कॉलेज के MBBS फाइनल ईयर का छात्र के पैर फिसलने से नहर में बह जाने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही दोस्तों के बीच अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने NDRF टीम की मदद से तलाश शुरू की गई और आज दोपहर शव को बरामद किया गया है, जहां संजय गांधी अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपरा पुल के पास बताई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार रौनक भंडारी निवासी खरगोन वर्तमान में श्याम साह मेडिकल कॉलेज में MBBS के फाइनल ईयर का छात्र था, जो परीक्षा खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ सिलपरा नहर पार्टी करने गया था। जहां वह नहाने के लिए उतरा तो कुछ दूर तक दोस्तों को दिखा। दोस्तों ने समझा कि तैर रहा है, लेकिन जब वापस नहीं लौटा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने NDRF टीम की मदद से छात्र की तलाश शुरू कर दी थी, जहां पुलिस और NDRF की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद कर लिया गया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये कल हमारे MBBS अंतिम वर्ष के छात्र हैं रीवा संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के, रौनक भंडारी जो कि खरगोन जिले के रहने वाले थे। वो कल कुछ अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आए थे शाम तक। दुर्घटना बस वो पानी में, यहाँ पर जो नहर है उसमें वो डूब गया, उनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, बॉडी के सर्च आउट करने के लिए कल शाम से होमगार्ड टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और अभी यहाँ पर देखा, जैसे आप लोगों ने देखा कि बॉडी ट्रेस आउट कर ली गई है। तो बताया जा रहा है कि एक और लड़के बचाने के चक्कर में डूब रहा था। हाँ, ऐसा जैसा यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोगों ने बताया कि जो उनके एक मित्र थे जो उनको डूबते हुए देख करके गुजरे, तो स्थानीय लोगों ने रस्सा डाल करके उनको निकाल लिया था। एक तो जान उन्होंने बचा ली स्थानीय लोगों ने, परंतु जो पहले रौनक गए थे पानी में उनको बचाना पाने में स्थानीय लोग सफल नहीं हो पाए। कल शाम को करीब 5 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि MBBS लास्ट ईयर का छात्र रौनक भंडारी यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए थे, तो वो डूब गए थे। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रात में हम लोग 12 बजे तक यहाँ पे रेस्क्यू किए, डेड बॉडी रिकवर नहीं कर पाए। सुबह 5:30 बजे फिर प्रयास किया गया, अभी डेड बॉडी रिकवर हुई है। कितने लोगों की टीम लगी हुई थी आपकी यहाँ? हमारी 6 SDRF की और 6 होमगार्ड की टीम लगी हुई थी। हम लोगों ने जबलपुर SDRF की टीम को भी बुलवा लिया था।